मैं बादल भंडारी हूं और पिछले 27 साल से डॉग्स ब्रीड कर रहा हूं और मैं बिहेवियरिस्ट हूं। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, ये स्टोरी इंग्लैंड की है। ऑफ कोर्स वहां पे एक बहुत प्यारा सा कपल रहता था जो लिविंग इन रिलेशन में थे, ईला एंड उनका लवर। उन्हें ना बार बार लगता था कि हमारी लाइफ में किसी की कमी है, शायद बच्चे की कमी है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया एक बेबी को, फर बेबी को अडॉप्ट करने का, यानी एक डॉग को अडॉप्ट करने का। और वो अपने घर में एक डॉग ले आए, उन्होंने उसे नाम दिया किमी। वो छोटा बच्चा था, 2-2.5 महीने का। अब क्योंकि वो 3 लोग थे फैमिली में, तो उनका जो ज़्यादातर टाइम है वो अपने किमी के साथ स्पेंड करते थे। उनकी आपस में बहुत अच्छी वाली बॉन्डिंग हो गई, बहुत अच्छी वाली अंडरस्टैंडिंग हो गई। कुछ देर बाद ईला ने, उनके लवर ने डिसाइड किया कि हम लोग शादी कर लेते हैं। Everything was going like fabulous, बहुत बढ़िया चल रहा था। कुछ महीने बाद ईला प्रेग्नेंट हो गई। जो किमी है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया था, ऑफ कोर्स नॉट ईयर ओल्ड बट छोटा था। ईला प्रेग्नेंट हो जाती है और जो डॉग है वो प्रेगनेंसी को इजीली जज कर सकते हैं, इजीली स्निफ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये हुआ कि जब किमी को पता चला कि ईला प्रेग्नेंट है, तो वो उसके पेट के पास आता, उसे प्यार करता, जैसे हम अक्सर अपने डॉग को गोदी में ले लेते हैं। हम सोफा पे बैठे हैं तो हमारा डॉग भी हमारे पास सोफा पे आके बैठ जाता है, बहुत बारी होता है हमारे साथ बेड पे आके बैठ जाता है। वो जब भी उसके किमी जो था ईला के पास आता, उसके पेट को स्निफ करता और अजीब अजीब सी आवाजें निकालता, समटाइम्स भौंकता, बड़े स्ट्रेंज वे से भौंकता। तो उन्हें लगता था कि शायद प्रेगनेंसी के लिए एक्साइटमेंट दिखाता है, एक्साइटेड है। आहिस्ता आहिस्ता किमी जो है उसकी एक्साइटमेंट या उसका जो पोजेसिवनेस थी वो बढ़ती गई। जो ईला था, ऑफ कोर्स ईला जो थी, ईला का टमी बढ़ता गया, जैसे प्रेगनेंसी में बेबी की डेवलपमेंट होती है तो पेट बढ़ जाता है। कुछ महीने बाद जब उन्हें ये ज़्यादा सस्पेक्टेड सा लगने लग गया कि हमारा डॉग इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है, तो जो ईला के हस्बैंड थे उन्होंने डिसाइड किया कि आप ऐसे करते हैं, हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, गायनी के पास, उसे एग्जामिन करवाते हैं, उसे डिस्कस करते हैं कि हमारा डॉग ऐसा बिहेव करता है प्रेगनेंसी के लिए। वो गए गायनी के पास, उन्होंने चेकअप करवाया, डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर कहती बेबी इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, डोंट वरी। उन्हें बहुत मन को शांति मिली कि हमारा जो डॉग है उसका बिहेवियर बस ऐसे ही लग रहा है। डॉक्टर ने भी ये बोला, कई बार डॉग एक्साइटमेंट दिखाते हैं, कई बार थोड़ी सी जेलस दिखाते हैं, या कई बार कुछ और भी वजह हो सकती है, लेकिन एवरीथिंग इज फाइन विद प्रेगनेंसी। तो वो घर आ गए वापस और नॉर्मल फिर से चलना लग गया सारा कुछ। लेकिन जो डॉग था उसका जो पोजेसिवनेस बिहेवियर था, पोजेसिव बिहेवियर था, वो डे बाय डे बढ़ता गया। जैसे जैसे पेट बड़ा हो रहा था, डॉग का बिहेवियर भी अजीब सा हो रहा था। देन दे हैव डिसाइडेड कि यार हमें ना इसके बारे में किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए। एक्सपर्ट उनके पास कोई था नहीं कि जो उनको बता सकता कि डॉग कैसा बिहेवियर क्यों हो रहा है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने सोशल मीडिया का सहारा लिया। उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में पूछा कि हमारा जो डॉग है वो इस तरह का बिहेवियर कर रहा है, हमारे मेरी प्रेगनेंसी को देख के, मेरे पेट को देख के वो अजीब सी साउंड्स निकालता है, उसको लिक करता है और भौंकता है, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या रीज़न हो सकता है पीछे। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन, ऑफ कोर्स सब लोग देते हैं। किसी ने बोला वो डॉग जो है बच्चे से जेलस कर रहा है, उसको लग रहा है मेरा प्यार बट जाएगा, आपको डॉग को नहीं रखना चाहिए। कोई बोलता कि डॉग पागल हो गया, वो ऐसा बिहेवियर कर रहा है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन एक ओल्ड लेडी ने सजेशन दी उन्हें कि बेटा ऐसा होता है कि जो डॉग है वो कुछ ऐसी चीज़ को जज कर लेते हैं जो हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते। उनकी स्निफिंग पावर बहुत अच्छी होती है, उनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है, शायद वो आपको कुछ बताना चाह रहा है, शायद वो आपके साथ कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाह रहा है जो वो बोल के बता नहीं पा रहा, कोई इशारा देना चाह रहा है आपको और आप उस चीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो बेस्ट ये रहेगा आप किसी बड़े हॉस्पिटल में अच्छे से एग्जामिन करवाइए। कहने में वो ओल्ड लेडी ने उन्हें ये सजेशन दे दी। उनके दिमाग में भी आया कि यार बहुत देर हो गई, कई सारे महीने हो गए, जो किमी है वो बहुत ज़्यादा बेचैन सा रह रहा है, हर समय जब भी ईला उसके सामने आ रही है वो स्ट्रेंज सा बिहेवियर दिखा रहा है, वो अनइजी हो जा रहा है, क्या रीज़न होगा। वो उन्होंने डिसाइड किया, वो एक बड़े हॉस्पिटल में चले गए। जब हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने प्रॉपर सारा टेस्ट करवाए, अल्ट्रासाउंड स्कैन जो कुछ भी था उन्होंने करवाया। तो जब उन्हें रिजल्ट मिला, रिपोर्ट मिली, तो जब डॉक्टर्स ने उन्हें बताया रिजल्ट के बारे में, तो उनके होश उड़ गए। उन्हें डॉक्टर ने बताया
कि आपके पेट में बेबी के साथ में एक ट्यूमर की डेवलपमेंट हो रही है। ये प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई थी तब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बेबी ग्रो हो रहा है उसके साथ में पेट में ट्यूमर भी ग्रो हो रहा है और जो कभी भी फट सकता है। जो घर वाले थे उनके होश उड़ गए, उनके पैरों से जमीन निकल गई जब उन्हें ये चीज़ समझ में आई कि हमारा जो डॉग है इतनी देर से वो इसलिए बेचैन था क्योंकि वो बेबी को नहीं, बेबी के साथ में उस पल रहे ट्यूमर को भी देख पा रहा था, वो उसे भी जज कर पा रहा था, उसे भी बार बार लिख कर रहा था। जब मैं ये आपके साथ में स्टोरी शेयर कर रहा हूँ डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखोगे तो मेरी बाजू के बाल खड़े हो गए, गूज़बम्स हो गए, बिकॉज आई एम रियली वेरी मच कनेक्टेड टू डॉग्स। मैं इमेजिन कर सकता हूँ उस फैमिली के बारे में जब उन्हें उस डॉक्टर ने बताया होगा और उनके दिल पे क्या बीती होगी। डॉक्टर ने उस इला को उसी समय वहां पे एडमिट कर लिया हॉस्पिटल में और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, बिकॉज जो प्रेगनेंसी थी उसे सेव करना बहुत ज़रूरी था। अगर ट्यूमर बस्ट कर जाता, ट्यूमर फट जाता पेट में, तो जो बेबी ग्रो कर रहा था पेट में वो बेबी की भी डेथ हो जाती। तो जो किमी था, किमी ये बता रहा था कि मम्मा जो टमी में बेबी है उसके लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है और आपके अंदर एक ऐसी चीज़ बन रही है जो आपको मार देगी। अगर किमी की इस इंडिकेशन को वो नहीं समझे होते, वो जो ओल्ड लेडी ने, आंटी ने सजेशन दी थी, उन्होंने उसे नहीं फॉलो किया होता, तो शायद आज इला इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होती, वो प्यारा सा बेबी जिसने जन्म लिया वो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होता। और थैंकफुल टू किमी। आप ये बताइए कि उस किमी की देनदारी वो कैसे दे सकते हैं वो परिवार वाले। लोग सोचते हैं कुत्ता ही तो है, ऑफ कोर्स नॉट। जब कोई बोलता है ना ये कुत्ता है तो मुझे ऐसा लगता है अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। आई होप ये जो मैंने स्टोरी आपके साथ में शेयर की है आपको ये समझ में आएगा कि आपका डॉग अगर कुछ बिहेव कर रहा है आपके साथ, कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है, तो शायद वो आपको कुछ बताना चाह रहा है, शायद वो आपको कुछ समझाना चाह रहा है। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की स्टोरी है या किसी और तरह की स्टोरी है आपके डॉग की, कुछ स्ट्रेंज स्टोरी है, आप मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उस पर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा ताकि सारी दुनिया को पता चल सके कि हाउ स्पेशल डॉग यू आर हैविंग। और ये जो स्टोरी आपको पसंद आई होगी, डेफिनेटली अगर कोई पेट लवर इस वीडियो को देख रहा है तो उसे ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। इस स्टोरी को शेयर कीजिएगा क्योंकि और पेट लवर्स तक भी ये स्टोरी पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। साईं दया करेंगे मुझ पे, आप पे, सारी दुनिया के फर बेबीज पे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ आप इस तरह के किसी भी और वीडियो को मिस नहीं करना चाहेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस, बाय बाय।